तो चटोली गली में आएँ और इसको इंजॉय करें, अपने साथ आएँ, अपने फैमिली के साथ आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ और इसको इंजॉय करें। आप लोग देख सकते हैं कि किस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं ग्वालियर फूडी। स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वक्त मैं हूं लखनऊ में, लखनऊ के जो चटोरी गली है उसमें अब मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मुझे एक स्टॉल देखने के लिए मिली है, जहाँ पर शाही पनीर, दही बल्ले जैसी और भी काफ़ी सारी लजीज चीज़ें बनाई जाती हैं। और एक सिस्टर हैं जो कि इस छोटी सी दुकान को रन करती हैं, तो आइए जानते हैं उनसे इस दुकान के बारे में, वो लोग यहाँ पर क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, किस किस प्रकार की सेवा आपके लिए उपलब्ध है इस दुकान पे। तो सारी जानकारी लेंगे सिस्टर से, वो बताएंगी कि वो किस तरीके से इसको रन करती हैं। ऑल एट दोस्तों, तो फिलहाल हमने दही बल्ला बनवाया है और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से दही बल्ला बनवाने की जो रेसिपी है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको दही बल्ला बनाना नहीं आता तो एक बार सिस्टर की जो स्टॉल है उस पर विजिट करें, उनसे पूछें, रिक्वेस्ट करें, अगर बता देंगे तो घर पर आके बना लेना, वरना यहाँ पर एक प्लेट ज़रूर खा के जाना। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। फिलहाल मैं आपको दही बल्ला का जो रेसिपी है, जो सेटअप है, वो बना के दिखा दे रहा हूँ कि वो किस तरीके से बनाया जाता है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लखनऊ जब भी आप आते हैं तो चटोरी गली में आएँ और इसको इन्जॉय करें, अपने साथ आएँ, अपने फैमिली के साथ आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ और इसको इन्जॉय करें। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आपका दही बल्ला है वो बनके तैयार हो गया, मात्र 2 या 5 मिनट भी नहीं लगे और ये आपका दही बल्ला बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में सिस्टर से कि वो क्या क्या इसके बारे में जानकारी दे सकती हैं और क्या क्या आप लोग इसके बारे में उपलब्ध करवा सकती हैं। नमस्ते सिस्टर, सबसे पहले अपना नाम बता देंगे थोड़ा? माय नेम इज़ गरिमा। गरिमा, तो ये जो आप स्टॉल रन कर रहे हो ये कब से कर रहे हो आप? यहाँ पे हो गया 2 मंथ हो गए हुए हैं। 2 मंथ हो गए जी। अच्छा, तो ये दही बल्ले के अलावा और क्या क्या चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है? मेरे दही बड़े पनीर के दही बड़े हैं, ये नॉर्मल दाल वाले बड़े नहीं है, पनीर दही बड़े, और इसके साथ कुल्लड़ लस्सी आपको यहाँ पे मिलेगी। अच्छा जी, तो आप लोग जान सकते हैं दोस्तों कि और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये स्टॉल की जो टाइमिंग है वो क्या रहती है? 5 बजे से रात को 11 बजे तक होती है। अच्छा, यानी कि शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक आपको स्टॉल खुली हुई मिल जाएगी। नॉर्मली जो आपका प्राइस रहता है वो कितना रहता है? 1 रुपीज़ प्लेट है। दोनों चीज़ होगा? हाँ नहीं, लस्सी 60 रुपीज़ है और जो दही बड़े वो 50 रुपीज़ प्लेट है। 50 रुपीज़ है। तो इसके स्टॉल के अलावा या फिर ये स्टॉल रन करने के अलावा और क्या करते हो आप? अभी तो फिलहाल इस पे फोकस कर रहे हैं, इस पे पूरा टाइम। ये जो आप स्टॉल देख रहे हो ये बेसिकली दीदी का नया स्टार्टअप है, तो अभी वो पूरी तरीके से इसी पे फोकस कर रही हैं ताकि वो चाहती हैं कि ये जो उनका स्टॉल है उसको काफ़ी ज़्यादा फैला सकें। और फैलाने के लिए दोस्तों ऑब्वियसली आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, तो जब भी आप लखनऊ आते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और जो उनकी जितना भी वो चीज़ें बनाती हैं उनको एक बार ज़रूर इन्जॉय करें और बताएँ कि वो कितना ज़्यादा लजीज बनाती हैं, अपने दोस्तों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ। और आइए हम भी देखते हैं दीदी के जो दही बल्ले हैं उनको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है। ऑल राइट दोस्तों, तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं कि दही बल्ले का जो डिज़ाइन है, जो कि इसके सर्व करने का तरीका है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, देखने में काफ़ी ज़्यादा लजीज लग रहा है। बाकी जो हमारा साथी है वो इसको खाकर बताएगा कि उसे कितना ज़्यादा लजीज लगता है। तो आइए जानते हैं हमारे साथी से कि दही बल्ले का जो टेस्ट है वो कितना ज़्यादा बेहतर। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हो दही है, उसमें नीचे बड़ा हुआ है, बड़ा भी डला हुआ है, ऊपर से मसाले डले हुए हैं, अनार भी डले हुए हैं। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात बताऊँ मैं, पहले तो ठंडा रखा है, बहुत ठंडा है और बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, बहुत एक रिफ्रेशिंग जैसी फ्लेवर दे रहा है बिल्कुल, खाने के बाद अंदर में मुँह में घुल रहा है, बहुत सॉफ्ट है। सबसे बड़ी बात, जो बड़ा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और खाने के बाद मुँह में भूलने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है। ऑल राइट दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे एक साथी ने किस तरीके से इसे दही बल्ले को चेक किया और आपको बताया कितना ज़्यादा बेहतरीन है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में मैं इस जगह का एड्रेस डाल दूँगा, तो जब भी आप यहाँ पर आते हो तो एक बार इस स्टॉल पर जरूर विजिट करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।